यूपी के मुख्यमंत्री और भविष्य के प्रधानमंत्री योगी ने ऐसा बयान दे दिया कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का सपना देखना छोड़ देगा। हिंदुस्तान से योगी ने लगाई ऐसी दहाड़ कि कांप उठा पाकिस्तान। एक तो आर्थिक तंगी, अब बाबा की ललकार से परेशान पाकिस्तानी हुक्मरान। पीएम मोदी के बाद अब योगी की फैन हुई पाकिस्तान की आवाम। बाबा ने ऐसा क्या कह दिया कि मच गया घमासान। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक नया संकट आ गया है जिससे उससे उभरने में जमाना लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार लड़ाई का बुगुल किसी देश ने नहीं बल्कि भारत में बैठे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बजाई है। जिस लड़ाई से आज तक हमारा देश जूझता रहा, जिस लड़ाई के कारण देश के हजारों बेटों ने अपनी जान की आहुति दे दी, आज उसी लड़ाई पर योगी आदित्यनाथ ने विराम लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा घोषणा कर दिया है जिसने हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। हालांकि पाक के हुक्मरानों की टेंशन जरूर बढ़ गई है। दरअसल मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को गिराने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ लगाते हुए पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने का काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की मुट्ठी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी कर रहा है। हालांकि इस ललकार की सबसे खास बात तो यह है कि इस आवाज को पाकिस्तान की जनता भी पसंद कर रही है। बाबा के बयान के बाद पाकिस्तान की जनता भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। इस शख्स ने कहा कि जितना पीओके और पाकिस्तान के पंजाब में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उससे ज्यादा भारत ने जम्मू कश्मीर में कर दिया है। वहीं दूसरे शख्स ने कहा, मेरे ख्याल से बेहतर है कि इंडिया के साथ करार किया जाए, हम कश्मीर को आजाद कराने का ख्याल छोड़ दें और बेहतर होगा कि जितना हो सके उस मामले से दूर रहें। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि कश्मीर के लोग खुद ही पाकिस्तान के साथ आना नहीं चाहते। वो कहते हैं, हम भारत के साथ खुश हैं। पाकिस्तानी जनता में सीएम योगी को खूब पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी तो ये तक मानने लगे हैं कि योगी भारत के अगले पीएम हो सकते हैं। पाकिस्तान में लोग सीएम योगी के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं। अब योगी के इस बयान ने एक तरफ पाकिस्तान को ख्वाब में डाला है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीदों की किरण जगा दी है। क्या बाबा का कहना आने वाले दिनों में सच होगा? यदि ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होने वाली है। योगी ने तो ये तक कह दिया है कि भारत के सबसे उपजाऊ लैंड पाकिस्तान में गया, लेकिन वो फिर भी खुद को नहीं संभाल पाए। उन्होंने आगे कहा कि भारत की इकोनॉमी 5वें स्थान पर, तो वहीं पाकिस्तान दरिद्रता की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नरकी की गर्त में गिरता जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के हर संभव कोशिश की है। साथ ही ये भी चेतावनी दे डाली, जो हमें आग दिखाता है उससे हम छोड़ते नहीं। बता दे कि पीओके संयुक्त कश्मीर का वो इलाका है जिसके जमीन पर पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। कश्मीर पर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी कबाइलियों को आगे कर हमला किया था, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह की अपील के बाद भारतीय सैनिकों ने पाक समर्थित कबाइलियों को खदेड़ने के लिए लड़ाई लड़ी। तब से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसे अब पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, और एक हिस्सा भारत के पास है जिसके लिए लगातार लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। एलओसी पर सैन्य झड़प लगातार जारी रहती है। पाकिस्तान लगातार एलओसी के आतंकवादियों को कश्मीर के मुख्य जमीन पर भेजने की कोशिश करता है और भारतीय सेना अपने बल से इसका जवाब देती है। भारत में लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बाकी है, ऐसे में इससे पहले मोदी सरकार कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है जिससे देशवासियों का बीजेपी पर दुगना भरोसा बढ़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी पीओके पर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। वहीं अब योगी के इस बयान के बाद एक तरफ पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण जगा दी है। बाबा का कहना आने वाले दिनों में सच होगा, यदि ऐसा हुआ तो भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होती हुई दिखेगी।